नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट अपडेट के चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में। इन्होंने कल अपना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज आप स्टॉक देख सकते हो लगभग 1% डाउन है। तो अब मैं इनका लेटर निकाल लेता हूँ जिसमें डिविडेंड के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इनका लेटर निकाला है, तो इसमें लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन दिस मीटिंग ऑन थर्सडे द 14th March 2019 एज अप्रूव पेमेंट ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। तो इन्होंने जो डिविडेंड दिया है वो दिया है ₹5.85 per share, यानी कि ₹5.85 का इन्होंने डिविडेंड दिया है ₹10 फेस वैल्यू के ऊपर। और इनका जो रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड का मंडे 25th March 2019 का है, यानी कि जिस किसी के पास भी इनके पास इनका स्टॉक है वो मंडे 25th मार्च तक होल्ड करें तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये एक न्यूज़ थी जो आप लोगों को बतानी थी। और इसमें लिखा है द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फॉर 2018-19 इज ऑन एंड फ्रॉम 29th March 2019। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरिम डिविडेंड जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं इसका जो प्रोसेस है वो 29 मार्च से ये स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 29, 30, 31 तक आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा डिविडेंड का पैसा। तो बस आज के लिए यही बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, आपके दोस्तों के साथ ये न्यूज़ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस और न्यूज़ के लिए। चलिए, थैंक यू।